दोस्तों बड़ी पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया। आप देखिए भैया सबसे बड़ी बात क्या हो गई, एक से बढ़कर एक घोटाले, एक से बढ़कर एक लोगों के नाम आते जा रहे हैं। अब आपने भी सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, संजीव भसीन जी आपने देखा होगा हर टीवी पर, CNBC पर, जी न्यूज पर, CNN पर, हर जगह पर आकर के जहां पर भी जिसने भी बिजनेस चैनल है संजीव भसीन को सब लोग लगभग जानते होंगे, ठीक है ना। अब ये स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देते थे, भसीन जी के शेयर, भसीन जी की थॉट, भसीन जी की थीम, ठीक है ना। अब भसीन जी का सेबी ने उनको भी लपेट लिया। अब इनका IFL में इनका कार्यकाल था 30 जून तक, अभी इनको 17 जून को ही भेज दिया IFL ने अपने घर। उसके बाद में सेबी ने इनकी पूरी डिजिटल जितना इनके पास डाटा था पूरा पूरा इकट्ठा कर लिया है। अब इनके ऊपर आरोप तो बड़े संगीन लग रहे हैं, ठीक है ना। बट शेयर मार्केट की दुनिया में इनका एक रिस्पेक्टिव नाम था, लोग इसका इनका बहुत सम्मान करते थे, इनके द्वारा बताए गए टिप्स पर शेयर्स खरीदते थे। लेकिन अब इनके ऊपर जो जांच में सामने आया है वो ये आया है कि ये पहले क्या करते थे, उन शेयर्स को चाहे खुद खरीद लेते थे या अपने जानने वालों को खरीदवा देते थे। उसके बाद में ये आकर के टीवी पर उन शेयर्स का टिप दे देते थे, जिसके बाद में वो शेयर क्या होता था, लाइमलाइट में आ जाता था, लोगों की निगाह में आ जाता था। जब लोग उस शेयर को खरीदना शुरू कर देते थे, जब उसका दाम, जाहिर सी बात है जब उसमें पैसा आएगा, आम लोगों का पैसा आएगा, तो उसके बाद में उस शेयर के भाव बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ जाएंगे तो उसके बाद में ये लोग अपना बेच करके वहां से निकल देते थे। वही सेम कांड जो कि हर्षद मेहता के टाइम पर हुआ था, तो ये मिनी हर्षद मेहता बन गए हैं। बताइए इतने पॉपुलर आदमी का नाम आया है, इससे क्या होता है, फर्क तो और कुछ नहीं पड़ता है। देखो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आम आदमी का दिल और कलेजा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं और बहुत ही हर तबके के लोगों के साथ उठना बैठना हमारा है। आम आदमी मेहनत का आदमी होता है और अपनी कमाई कर लेता है। ये असीम भसीन जैसे मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, पता ही है भाई, देखो जिसका नाम आया है वो पक्का दोषी तो है ही है, क्योंकि ये भैया शेयर मार्केट है। इसीलिए मैं कभी किसी को शेयर का पर्टिकुलर कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता। पहली चीज तो मैं सीधे बोल देता हूँ, भैया मेरे को शेयर वर्क की समझ ही नहीं है, मुझे कंपनियों की समझ ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, म्यूचुअल फंड में लोगों को इसलिए था कि तब भी मैं देखो किसी भी पर्टिकुलर, आज तक मेरे किसी भी वीडियो में देख लो मैंने किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। हाँ, फंडामेंटली एजुकेशन जरूर देता हूं ताकि हमारा व्यूअर, हमारा सब्सक्राइबर स्ट्रांग रहे, वो अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़े और उसके बाद में उसको जितना हो सकता है उसको सही तरीके से, वो कैसे सुरक्षित रहे, उसका कार्पस कैसे सुरक्षित रहे, इस बात पर मेरा पूरा का पूरा फोकस होता है। कभी भी चमक दमक तड़क भड़क में आप मेरे को देखे हो नहीं देखे हो। अब संजीव भसीन का भी नाम आने से एक्चुअली मेरे को भी दुख बहुत हुआ है, क्योंकि मैं सही बताऊं कि भसीन का जब भी प्रोग्राम आता था मैं भी थोड़ा सा देखता था, इनके थॉट जो होते थे इनके होते थे कि हाँ ठीक है फलाने सेक्टर होते होते थे, लेकिन लालच, लालच ऐसी चीज है जो कि छोड़ती नहीं है, विडंबना ऐसी है जो कि छोड़ती नहीं है। अब IFL ने क्या दिया कि हमने भैया इनको एक्सपेल कर दिया इसलिए कि इनके स्वास्थ्य कारणों से इनको हमने निकाल दिया है, लेकिन सच्चाई तो यह है पहले इनका नाम उजागर हो गया था, तो सुनकर के बड़ा दुख हुआ है। लेकिन अभी क्या किया जाए बताइए आप लोग, कोई चारा है? जब आदमी अपना ईमान ही बेच देता है, अब बताओ। और यही बात मैं बोलता हूं, अगर आप इतने बड़े परम ज्ञानी हैं तो यार आप खुद मतलब जो पहले उस चीज को आप करो ना। मैं आपको सही बताऊं कि मतलब जो है, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूं कि मैं पर्टिकुलरली अपना गांधी जी का अनुयायी हूं, बट गांधी जी के पास एक 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 कहानी जरूर बोलूंगा भाई। वो देखो वो राष्ट्रपिता हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्या है कि मैं जो है सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को मानने वाले में से हूँ, सम्मान जो सबका करता हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, बट एक्चुअली मेरे ख्याल इनसे मिलते जुलते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए अभी मैंने भी इनके सम्मान को करते हुए बोल दिया तो कुछ शब्द, तो मतलब जो शब्द तो ऐसे नहीं बोले हैं कि जो कि उनके पर्सनल किसी उसमें हो, बट मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि गांधी जी के पास एक लेडीज लेकर के आई अपने बच्चे को, और उसके बाद में उसने बोला कि बच्चा जो है चीनी नहीं छोड़ रहा है, आप इसको जो समझा दें। गांधी जी ने उस महिला को वापस भेज दिया, बोले कल ले आना। फिर उसके बाद में वो कल लेकर के आई, फिर गांधी जी ने उसको महिला को भेज दिया, बोले कल ले आना। ऐसे ऐसे करके 3 दिन बुलाए, 3 दिन वापस भेज दिए,
चौथे दिन गांधी जी ने उसको बोला कि बेटा चीनी बहुत बुरी चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, इससे तुम्हें वो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो उस महिला ने बोला अगर यही बात बोलनी थी तो ये तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने बोला भाई मैं खुद चूहे चीनी को खा रहा था, नहीं छोड़ पा रहा था, तो पहले मैंने जब खुद छोड़ा तब उसके बाद में बच्चे को सलाह दिया। तो कहाँ है अब उस सोच वाले, कहाँ है अब उसके वाले। हालांकि ये गांधीगिरी से तो मार्केट नहीं चलती, अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको ठगने वाले 500 मिलेंगे, और वहां से बचने का गुण आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। मेरी आज की सलाह यही है, ठीक है ना। अब ये संजीव भसीन जी का नाम आएगा, अभी कितनों का नाम आएगा, क्योंकि क्या है 2020 के बाद में 21-22 में कोई रिटर्न नहीं दिया, और 23 इन दो सालों में छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है मार्केट ने, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो लोग 2014 से लेकर के 24 तक की रैली जिन्होंने एंजॉय किया है वो भी मालामाल बने, इसमें कोई भी संदेह नहीं, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत पर इसका काफी फोकस इस सरकार का रहा है। और मैं कोई सरकार की हिमायती या तारीफ करने वाला नहीं हूँ पर्टिकुलर किसी भी जो सरकार की, बट फिर भी जो बात बोलने वाली है वह है। तो इस समय ऐसा नहीं है कि सुधार 90 के दशक में नहीं हुए थे, 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार में सोना रखा गया था, उसके बाद में जो है ये मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने नरसिम्हा राव जी की उसमें सरकार में, तो सॉरी ये बने अपना गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने, तो इन्होंने काफी कुछ सुधार किया, और जिसको रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। फिर बीजेपी के टाइम पर जो है और भी जो है रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर मैं काफी अच्छे से जानने वाला था उस समय का, तो पढ़ करके जानता हूँ कि जब ये वित्त मंत्री थे तो काफी ज्यादा इन्होंने वो किया, अपना सोना गिरवी जब हमारे देश का रखा गया उसके बाद में पूरा श्रेय मनमोहन सिंह जी को जाता है। फिर उसके बाद में आदरणीय हमारे मोदी साहब की टीम लगी, निर्मला सीतारमन जी लगी, तब भी बहुत सारे सुधार हुए कॉर्पोरेट जगत में, तो बहुत सारा लोगों ने पैसा बनाया होगा। अभी क्या है जो सेबी का आक्रामक रवैया क्यों आ रहा है, मैंने आपको पहले भी आपको याद होगा ठंडी के दिनों में एक वीडियो बनाया था माधुरीपुरी बूच मैम के मतलब सापेक्ष में उनके बारे में, और बड़ी ही विदुषी महिलाएं हैं और वो आम इन्वेस्टर्स के बारे में जानी जानती है। वो पहली ऐसी सेबी की चीफ बनी है जिन्होंने हर एएमसी को ये बोल रखा है। एक्चुअली उनकी जो निगाह है ना वो आम लोगों की भागीदारी पर है, उनको पता है कि आम लोगों की ताकत कितनी बड़ी है, उनको इस चीज का अंदाजा है। लेकिन अगर संजीव भसीन जैसे या और भी शेयर मार्केट के जो बड़े बड़े पंटर हैं या जिनको थोड़ी सी समझ आ गई है, अगर वो अपने नॉलेज का मिसयूज करेंगे और आम लोगों के पैसे का इस प्रकार से दोहन करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी यार। मार्केट में आप आए हो, आपको जानकारी है तो आप शेयर से लाभ कमाओ ना यार। इस प्रकार से दोगलापन, इसको मैं बोलूंगा, ये दोगलापन करके कोई भी आप हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इन पर जांच होने दो, अब ये जो है नपेंगे तो है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सेबी के अधिकारियों ने इनके ऊपर सिकंजा तो कसी दिया है, और भी बहुत सारे लोग मेरे को लग रहा है लपेटे में आएंगे, ऐसा लग रहा है, अंदेशा लग रहा है। देखो अब ऐसे ऐसे पॉपुलर लोग अगर आ रहे हैं जो कि एक जाना पहचाना शेयर मार्केट की दुनिया के चेहरे हैं, अगर उनका नाम आ रहा है तो सोचिए अभी कितने लोग ना आए तो अच्छी बात है, परमात्मा करे कि लोग ना आए, लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो। लोग भाई देखो आपको जानकारी है, आप जो है आप लोग भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, हमें शेयर की समझ नहीं है, हमें तो अपने फंड मैनेजर पर भरोसा है, म्यूचुअल फंड की हमें समझ है, एएमसी की हमें समझ है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है उसकी हमें समझ है, और वो चीजें मैं पक्का अपने दर्शकों को इसीलिए बताता हूं। खास करके मेरा मकसद यही है कि यस एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जितनी जितनी चीजें आपको जुगाई टॉक्स पर बताई जाती है ना, अगर इन चीजों को आप सही तरीके से अमल ला करके और अपना यूटिलाइज करोगे ना, डेफिनेट है कि आप बहुत ही अच्छे खासे फायदे में जाओगे। अच्छे खासे मींस क्या है, अगर आप बोलोगे यार मैं रातों रात में हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, मेरे ख्याल से तो आम इन्वेस्टर ये सोच करके म्यूचुअल फंड में नहीं आता है, और वो ये सोच कर हाँ कहीं ना कहीं जो दांव पेच है उसमें गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियों के साथ साथ आपको जुगाई टॉक्स आपकी मदद करता है कि यस भाई आप अपने
चाल को ढाल को आप इस प्रकार से करें, अपने पैसे को इस प्रकार से मैनेज करें। क्योंकि देखो यार, जब आम आदमी को एक बार समझ आ जाती है ना, तो उसके पास किताबी जानकारी के साथ साथ क्या होता है ना, पर्सनल अनुभव भी होता है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है उसका। तो उम्मीद करता हूँ यार, ये संजीव भसीन जैसे लोगों से आप लोग बचेंगे, जो कि कुछ स्टॉक्स वगैरह में भी अगर मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर में कोई कर रहा है, तो इस प्रकार की टिप में ना आए। क्योंकि वो टिप में क्या होगा यार, आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद में वो तो निकल गए और आप ऊपर लेवल पे फंस गए, और जब आप फंस गए ना, तो वहां तक अभी आपका आप इंतजार कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो कंपनी प्रॉफिट देगी नहीं देगी, तो क्योंकि आप इंडिविजुअल शेयर में फंस गए हो, तो फिर क्या होगा, आप औने पौने में बेच करके निकलोगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो बस अभी इस पर मैं करता हूँ, जो संजीव भसीन ने एक्चुअली मन को खट्टा कर दिया था उनके कारनामे ने, और एक्चुअली आम लोगों के साथ भैया मेरी भी हमदर्दी है, क्योंकि मैं भी आम आदमी हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप अपने आप को जागरूक रखेंगे, और अगर आप अपने आप को जागरूक रखना है तो आपको जुगाड़ी टॉक्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुगाड़ी टॉक्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब पक्का किया करो, ठीक है ना। अब बाकी कमेंट वगैरह आप लोग करते रहते हो, लाइक वगैरह आप लोग करते रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार, एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में, एंड थैंक यू वेरी मच।